हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो एक्वेरियस लगन में सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा हो तो क्या रिजल्ट देगा, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आपको पता है जी कि एक्वेरियस लगन इटसेल्फ इज़ रन बाय सैटर्न, सैटर्न इसका ओनर है और सैटर्न ही खुद जाके यहाँ बैठ गया है, तो इसका रिजल्ट जो होगा वो अच्छा होना चाहिए आप लोगों के लिए, और ये बेनिफिशियरी रहेगा काफ़ी हद तक। कुछ दिक्कतें रहेंगी लेकिन कुछ ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। अगर ये मेटेरियलिस्टिक पोजीशन नहीं है सैटर्न की, ये मेटेरियलिस्टिक पोजीशन होते हुए भी मेटेरियलिस्टिक पोजीशन नहीं है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मेरे पास कई सारे कॉल्स आए हैं और उन कॉल्स में उन्होंने अपने लोगों ने अपनी कुंडली रीडिंग के रिगार्डिंग मुझको कॉल किया है और रिक्वेस्ट किया है जी कि मैं उनको उनके चार्ट और उनकी कुंडली रीडिंग प्रोवाइड करूं। कुछ कुंडली रीडिंग पर्सनल है और कुछ कुंडली रीडिंग मैं आप लोगों के यूट्यूब पे अपडेट करूंगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जी कि बाय 25th ऑफ दिस मंथ, मतलब जून के महीने के 25 तारीख तक आप लोग अपना फ्री कुंडली रीडिंग करवाना चाहें तो मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने पर्सनल बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। अगर मुझे आपका डिटेल अच्छा लगा और मुझे लगा जी कि इसको मैं यूट्यूब पे अपडेट कर सकता हूँ तो मैं आपकी कुंडली रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में करूँगा और आप लोग उसको यूट्यूब के वीडियो के थ्रू आप अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं, कुंडली रीडिंग आप देख सकते हैं। और बाकी लोगों की मैं पर्सनल रीडिंग करता रहता हूं और मैं करूंगा, और आप लोगों ने काफ़ी व्यूज़ देखने के बाद मुझे कॉल किया है, उसके लिए थैंक यू। और इसके अलावा मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा जी कि जो भी चीज़ करूंगा, चाहे पर्सनल रीडिंग हो या कुंडली रीडिंग, तो मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा जी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। अब आगे बढ़ते हैं, इस जो लगन के बारे में हम जो बात करने वाले हैं इसके बारे में अब बात शुरू करते हैं। बात ऐसे शुरू करते हैं जी कि सैटर्न 11वें घर में बैठा हुआ है और उसका ही ओनर है, और ये क्या कितना पॉजिटिव होगा भैया, ये पता कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट है जी कि त्रिकोण, ये सैटर्न का अच्छा घर है, मतलब क्या बोलते हैं, इस घर में सैटर्न खुश रहता है। 11th हाउस में एसेंडेंट जो एक्वेरियस है, इसमें मूल त्रिकोण राशि है सैटर्न की और यहाँ पे सैटर्न खुश रहता है। मैं बार बार एक चीज़ आप लोगों को वीडियो में सोचता हूँ, बोलूँगा बट यहाँ पे इस वीडियो में बोलना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। देखिए, सैटर्न की ना एक मैच्योरिटी एज आती है और वो मैच्योरिटी एज है 36 ईयर्स, ठीक है। जब आप 35 साल कंप्लीट कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी की, उसके बाद जब वो 36वां साल पड़ता है ना, तब सैटर्न मैच्योर हो जाता है। मैच्योर मतलब अपने आप को वो बड़ा कर लेता है आपकी ज़िंदगी में। आपकी जो सैटर्न की जो अगर आपकी कुंडली में सैटर्न का ज़्यादा इफेक्ट है और सैटर्न आप लगन में दृष्टि दे रहा है या सैटर्न से आप रूल्ड है या महादशा चल रहा है, तो 36 ईयर्स में आपको एक मैच्योरिटी मिलती है। सैटर्न सबक सिखाता है उससे पहले, और आपको उस सबक के थ्रू आप 36 ईयर्स के बाद उसको रियलाइज़ करते हैं, और सैटर्न के जो बोल सकते हैं जो कि इल इफ़ेक्ट्स हैं, जो हम लोग इस सोसाइटी में रहते हुए सैटर्न के जो इल इफ़ेक्ट्स मानते हैं, उस इल इफ़ेक्ट से सैटर्न थोड़ा सा काफ़ी हद तक रिडक्शन दे देता है, ठीक है। तो क्योंकि आप ही वैसे बन जाते हैं, आपका नेचर ही वैसा हो जाता है। सो 36 ईयर्स एज के बाद आप लोगों को सैटर्न के बेनिफिट्स ज़रूर मिलना शुरू होंगे, ठीक है। तो ये वीडियो में मैंने आपको बोल दिया। एक और चीज़ मैं इम्पॉर्टेंटली बोलूँगा जी कि मैं आप लोगों को जो भी बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं एज एन लाइक आपको लोगों को गाइड करने की जितनी भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं वीडियो के थ्रू कर रहा हूँ। मैं कुछ भी आप लोगों को पर्सनल ट्यूटरिंग नहीं दूंगा और ना ही देने वाला हूँ अभी फ्यूचर में। फ्यूचर आगे का क्या होगा पता नहीं, बट नियर फ्यूचर में नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसी वीडियोस को देख के लाइक करके आप लोगों को जो क्वेश्चंस और वीडियोस पे पुट करिए, कमेंट करिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि 36 ईयर्स वाला पॉइंट मैंने कवर कर लिया। तो जो जो लगन के लोग हैं जिन पे सैटर्न का असर पड़ रहा है और उनकी 36वां साल तक आपका नहीं गया है, तो आप अभी भी लर्निंग प्रोसेस पे हैं। आप लर्न करिए सैटर्न से, और आगे का प्रोसेस 35-36 के बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब ये बात करते जी कि इस लगन में सैटर्न जब यहाँ बैठा हुआ है, ऑब्वियसली जब 36 को बार बार कह रहा हूँ मैं, इस लगन के रिगार्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंटली कह रहा हूँ मैं,
रीज़न बिंग इस लगन के लोगों के अगर फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा है तो 35 साल तक वो इतना ज्ञानी हो जाएगा, इतना चीज़ों को समझ जाएगा कि दुनिया में ना लाइक दुनिया के सबसे मोस्ट पावरफुल लोगों को जितना नॉलेज है ना, उस नॉलेज को ये पहले पा चुका होगा, फॉर श्योर पा चुका होगा। ठीक है, अगर नहीं पाया होगा ना तो वो कुछ उसमें कुछ और ही रीज़न होगा, बहुत ही मतलब बड़ा कोई रीज़न होगा, लेकिन इसको मिलेगा वो नॉलेज। अब सैटर्न यहाँ बैठे हुए जो नॉलेज ले रहा है ना, वो ये नहीं ले रहा जी कि मैं करोड़पति कैसे बन जाऊँ, वो तो 35 के पहले सोच रहा होगा वो। ठीक है, वो ये भी नहीं सोच रहा जी कि मेरे को एक सुंदर बीवी मिल जाए, वो भी वो 35 से पहले सोच रहा होगा। उसे नॉलेज जो मिलेगा, उसको ये नॉलेज मिलेगा जी कि पैसा होने के बावजूद, उसकी जेब में इतना पैसा होगा लेकिन उसके होने के बावजूद वो अपने आप को एक अकेला महसूस करेगा, जो ज़िंदगी में लाइफ में जो एक पॉइंट आएगा जी कि वो सोचेगा जी कि मैं अकेला ही चलूँगा, अकेला ही बढ़ूँगा। यहाँ पे सैटर्न एक तरीके से अकेलापन लाता है, रियलाइज़ कराता है, लेकिन वो डिसअपॉइंटमेंट के थ्रू कराता है और सक्सेस के थ्रू कराता है। सक्सेस मतलब पैसा कमा लेगा आदमी, प्रॉपर्टी बना लेगा आदमी, लेकिन उसके बाद वो बोलेगा अब क्या, वो लाइफ को रियलाइज़ करना शुरू कर देगा। तो आपके ये सैटर्न आपको सब कुछ देगा और देने के बाद आपको रियलाइज़ कराएगा जी कि ये फ़ायदा क्या है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे बैठा हुआ तो आप इन्जॉय करिए, अगर आपको आपको अगर ये नॉलेज नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आपको भी ये सैटर्न पैसा देगा, बट मैं लिख के दूंगा जी कि आपको ये नॉलेज प्रोवाइड करेगा। बाकी अगर अगर नहीं होता है, आपको अभी भी लगता है जी कि मतलब आप लोगों को ये नॉलेज नहीं आया, तो इसमें कोई गलत नहीं है, अभी भी क्या बोल दुनिया ऐसे चल रही है और आपको सक्सेस मिल रहा है, मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हु डजन वॉन्ट मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि सैटर्न यहाँ पे बैठा हुआ डीप थिंकिंग बनाता है, आपको थिंकर बनाता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है और क्या बोलते हैं कुछ हद तक आइसोलेशन पे डालता है आपको। अपनी पर्सनल लाइफ में पार्टनर के थ्रू थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, थोड़ा क्या काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, और इस वजह से आप थोड़ा अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये आता है जी कि सैटर्न यहाँ पे स्ट्रगल बहुत करवाता है और स्ट्रगल करवाने के बाद आपको बेनिफिट देता है। आपका जो स्ट्रगल होगा वो ऐसा स्ट्रगल होगा जिसके थ्रू आपको बेनिफिट मिले। कैसे मतलब इस स्ट्रगल में आपको दिखेगा जी कि कब मोस्टली दिखेगा जी कि मुझे बेनिफिट मैं सही रास्ते पे हूँ, लेकिन आज नहीं मुझे बाद में बेनिफिट मिला और मिलेगा और लास्ट में बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपको दिख भी नहीं रहा है कहीं पे जी कि मेरे को स्ट्रगल पे क्या मिल रहा है, स्ट्रगल के बाद क्या मिलेगा, आप अपनी मेहनत करते रहिए, फोकस रहिए, मैं आपको बता दूँ एट द एंड आपको ही विक्ट्री मिलेगी, आपको ही सक्सेस मिलेगा। छोटे भाई बहन के साथ रिलेशनशिप खास अच्छा नहीं रहने वाला है, उनके साथ आपका रिलेशनशिप हमेशा स्ट्रगलिंग रहेगा और वो आपको हमेशा जजमेंटल ही महसूस करेंगे। थर्ड पॉइंट ये आता है जी कि सैटर्न अपनी अपनी 10वीं दृष्टि से 10वें ही घर को देख रहा है। यहाँ पे बैठा हुआ सैटर्न अपने फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखने की पूरी कोशिश करेगा और कोशिश करने में वो कुछ काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहेगा। जॉब अपॉर्चुनिटी भी इसको प्रोवाइड करेगा बिकॉज वो अपने लगन में अपने आप को देख रहा है, तो अपने हिसाब से वो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की ज़रूर कोशिश करेगा और उसको बेनिफिट मिल सकते हैं। आई होप मंगल अच्छी जगह बैठा हो, तो अगर मंगल अच्छी जगह ना भी बैठा हो तो भी सैटर्न लगन का यहाँ पे बैठे हुए आय के घर पे बैठे हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 11वें हाउस को हम आय का हाउस भी बोलते हैं, क्योंकि अगर आप एरीज लगन को देखेंगे तो उसमें वो 11वें नंबर पे लिखा हुआ होता है, तो इनकम का हाउस होता है। तो यहाँ पे बैठा हुआ सैटर्न आपको ज़रूर बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। अब ये बात आती है जी कि सैटर्न यहाँ पे 12वें हाउस का भी ओनर है, 10वां घर भी लिखा है, तो आप अगर अपने घर अपना जो फ्यूचर है वो बाहर प्लान करने की सोच रहे हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं जी कि बाहर आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो खर्चा होने के लिए भाई कहीं से पैसा भी तो आ रहा होगा ना, तो वो पैसा आ रहा है ना तो खर्चा हो रहा है, तो आपको खर्चालू जरूर कर देगा वो, लेकिन आपको पैसा भी देता रहेगा। पैसा मिलेगा तभी आप खर्चा करेंगे ना, चाहे कहीं से भी हो पैसा आपको आ जाएगा और आप खर्चा करेंगे। आप अगर बाहर से कमाने की सोच रहे हैं तो आपको बाहर से कमाई भी सैटर्न करके देगा, क्योंकि पर्सनैलिटी आपकी जो है, ये जो आपका आपका जो अपना नेचर है उसी और आपकी जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो यही है, यही लगन है, और उसका इसका ओनर यहाँ आके बैठ गया है और इसका ओनर भी यहीं बैठा हुआ है, मतलब 1वें हाउस का ओनर भी और 12वें हाउस का ओनर भी 1वें हाउस में आके बैठा हुआ है। तो बाहर से आपको बेनिफिट मिलेंगे, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होंगे, आप बाहर फेमस भी हो सकते हैं और बाहर सेटल भी हो सकते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। आप
आप अगर चाहें तो बाहर आपको सक्सेस बाहर ज़्यादा अच्छी मिलेगी, ठीक है। मैं ये नहीं कहता आउट ऑफ इंडिया चले जाइए, बट आपके बर्थ प्लेस से ज़्यादा बेनिफिट्स आपको बर्थ प्लेस से दूर जहाँ अगर काम करेंगे तो वहाँ मिलेंगे। सैटर्न यहाँ से आपको काफ़ी डीप थिंकर बनाता है, डीप थिंकिंग करने से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, बट कभी कभी ओवर थिंकिंग करने लगते हैं तो अपने ब्रेन को थोड़ा सा स्ट्रेस कम दीजिए, मेडिटेशन करने की कोशिश करिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए, और ज़िंदगी में अगर आइसोलेशन आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करिए। अगर आइसोलेशन आ रहा है तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप लोगों ने ज़िंदगी की कई सारी चीज़ें सीख ली हैं और वो सीखने की वजह से आपके पास आइसोलेशन आ रहा है। तो जब आप सीख चुके हैं, अगर 60 साल का आदमी कुछ एक्सपीरियंस गेन करता है अपनी 60 साल की उम्र में, और वो चीज़ अगर आप 30 साल की उम्र में सीख चुके हैं या 35 की उम्र में सीख चुके हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी तो 70-80 साल की है ना, तो वो जो 35-36 साल में है वो नेगेटिव मत होइए, वो ये पॉजिटिव रहिए और आप अपने आप को नई नई चीज़ों में डालते रहिए और नई नई चीज़ें सीखते रहिए। इस दुनिया में सीखने की कोई कमी नहीं है, तो सीखते रहिए, ठीक है। थैंक यू।